दुर्गा प्रसाद अग्रवाल सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी को कि वो आए। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। इस आदमी समारोह की मुख्य अतिथि रेशमा जी मंच पर, शोभायमान शिव विनायक शर्मा जी, उषा रस्तोगी जी, अनिल लड़ा जी, देवू जी, डॉक्टर बबीता वर्मा जी, जिनके कारण हम सब लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं, किमात्री जी इस कार्यक्रम का बहुत सुंदर संचालन कर रही, सोनल माथुर जी सामने बैठे हुए, हिमाद्री जी के परिवारजन, आत्मीयजन और विशेष रूप से हिंदी के बहुत बड़े कथाकार और हमारे आत्मीय भाई चरण सिंह पथिक जी, आदरणीय अमला बत्रा जी, कंचना सक्सेना जी, अनुकृति पत्रिका की संपादक जयश्री जी और सभी आत्मीयजन। किताबों के लोकार्पण बहुत होते हैं, लेकिन जैसा कहा गया और बिल्कुल सही कहा गया, ऐसे अवसर बहुत कम होते हैं जब एक लेखक की एक साथ तीन किताबों का लोकार्पण हो। हम लोग भाग्यशाली हैं कि एक ऐसे अवसर के हम साक्षी बने। लेकिन बात केवल इतनी नहीं है कि एक लेखक की तीन किताबों का लोकार्पण हुआ है, मैं इसमें दो चीजें और जोड़ना चाहता हूं। उन दो चीजों को जोड़ने से पहले एक तो मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं, मैं बहुत बार इस बात को रेखांकित करता हूं कि जयपुर में महिलाओं की सृजनशीलता खूब परवान चढ़ रही है। यहां लेखिकाएं जिस उत्साह से सृजन कर रही हैं, वो बात मुझे लगता है पूरे भारत के लिए प्रेरक होनी चाहिए। हमारे समाज में सारी प्रगति के बावजूद, सारे बदलावों के बावजूद, स्त्रियां अभी भी उतनी अच्छी स्थिति में नहीं हैं जितनी अच्छी स्थिति में हम उनके होने की कल्पना करते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर स्त्रियां लिख रही हैं तो ये मुझे बहुत बड़ी बात लगती है, उल्लसित होने की बात लगती है। और इसी बात के साथ मैं इस बात को जोड़ना चाहता हूं कि हिमाद्री जी के एक कहानी संग्रह अगले जन्म है ना, नया जन्म, उसके लोकार्पण में मैं भी मंच पर था। बहुत बार ये होता है, आप पहली किताब लिखते हैं लेकिन उसके बाद और खासतौर से महिलाएं अपने परिवार की, अपने घर की व्यस्तताओं में इतना खो जाती हैं कि वो लेखन की धारा सूख जाती है। मुझे बहुत खुशी यह है कि उस किताब के लोकार्पण के अवसर पर इनके पिताश्री आदरणीय वर्मा साहब भी उस समारोह में मौजूद थे और उनसे मिलने का मुझे सौभाग्य मिला था। आज वे नहीं हैं, लेकिन हिमाद्री जी ने अपनी सृजनात्मकता की उस धारा को सूखने नहीं दिया है, उसको ताजा और प्रवाहमान रखा है और आज वे तीन किताबें लेकर हमारे सामने इस आयोजन में उपस्थित हैं। ये बड़ी बात है। इस बड़ी बात के साथ दूसरी बड़ी बात मैं और जोड़ना चाहता हूं और वो ये कि इन्होंने तीन अलग अलग विधाओं की किताबें आज हमारे सामने रखी। तो मुझे किसी लेखक में ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण लगती है, एक उसके लेखन की निरंतरता। आप एक किताब लिखते हैं और उसके बाद खो जाएं तो आपको कोई याद नहीं करता है, लोगों के दिमागों पर, लोगों के जहन पर आपको बार बार अपनी कलम से दस्तक देनी पड़ती है, तब कहीं आप उनकी स्मृति में अंकित होते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि हिमाद्री जी ये काम कर पा रही हैं। आप कभी पूरी दुनिया में देखिए,
ऐसे उदाहरण भी आपको मिल जाएंगे जहां लोगों ने बहुत कम लिखा है और वो अमर हो गए। जब हम हिंदी कथा साहित्य की बात करते हैं तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी को हम बहुत याद करते हैं कि उन्होंने तो केवल 3 कहानियां लिखी और उनमें से 3 में से भी शायद 1 कहानी का तो नाम लोगों को याद होगा, 2 के नाम भी याद नहीं होंगे, वो अमर हो गए। लेकिन आप पूरी दुनिया में, सारी कलाओं की दुनिया में देखेंगे कि लोग कितने लंबे समय तक जब निरंतर काम करते हैं तब उनकी कुल पहचान बनती है। आप शाहरुख खान को याद कर लीजिए, आप अमिताभ बच्चन को याद कर लीजिए, आप भीमसेन जोशी को याद कर लीजिए, आप पंडित जसराज को याद कर लीजिए, कलाओं की किसी भी दुनिया में आप लोगों को याद कर लीजिए, लोग लगातार 10-15 वर्षों तक काम करते हैं तब कभी कोई उनको पहचानने लगता है। तो ये जो निरंतरता है वो लेखन के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी कला की दुनिया में किसी और काम के लिए जरूरी है। और दूसरा, आपके काम में विविधता हो ये भी बहुत जरूरी है। अच्छा कलाकार, अच्छा रचनाकार वही होता है जो अपने आप को दोहराए नहीं, रिपीट न करे। हर बार जब आप कोई रचना लेकर आए तो लगे कि अरे इसकी तो इनसे उम्मीद ही नहीं की। तो यहां मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज जिन 3 किताबों का लोकार्पण हुआ है, एक कहानी संग्रह है जिसको पढ़ने का मुझे मौका मिला और जिस पर थोड़ा सा अपनी बात भी मैं मुझे कहने का मौका हिमाद्री जी ने दिया, एक कविता संग्रह और एक बिल्कुल अलग जॉनर की रचना, रहस्य रोमांच की रचना, और उसके लिए बिल्कुल सही व्यक्ति उन्होंने चुना, पटकथा का जो जानकार व्यक्ति है चरण सिंह पथिक ने जिसकी भूमिका लिखी। और हिमाद्री जी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप पटकथा की बात करते हुए इस कला के उस्ताद मनोहर श्याम जोशी को याद कर रही थी। मनोहर श्याम जोशी का नाम लेना ही कम से कम मेरे मन में आपके कद को एकदम ऊंचा उठा देता है कि चलिए आपने जिस विधा में काम किया उस विधा के उस्ताद के पास जाकर आपने जानना चाहा कि इसकी बारीकियां क्या होती है और उस विधा के एक दूसरे सफल प्रयोक्ता को आपने अपनी किताब से जोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। और किसी भी रचनाकार को जो बात मुझे महत्वपूर्ण लगती है वो ये कि उसे लगातार सीखते रहना चाहिए। आप लिखते हैं लेकिन जितना आप लिखते हैं उससे ज्यादा आपको पढ़ना चाहिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने का मतलब अनुकरण करना कभी नहीं होता है। आप एक किताब पढ़कर ये मत कभी कीजिए कि जैसे इन्होंने लिखा है वैसा का वैसा मैं लिख दूं। आप कहीं नहीं टिकेंगे, आपको कोई पूछेगा नहीं। लेकिन आप उसको पढ़िए और उसमें से अपने काम की बात लीजिए। अभी जब हिमाद्री जी अपनी कहानियों की बात कर रही थी और ये कह रही थी कि मेरी कहानियां जीवन में से आई हैं लेकिन उनमें मैंने कुछ जोड़ा है, तो यहाँ जो हमारे परिवार के लोग बैठे हैं उनको मैं ये कहूं कि देखिए, अगर आप सोने का आभूषण भी बनवाते हैं ना तो वो 24 कैरेट का नहीं होता है। आभूषण बनाने के लिए उसमें 16-18 कैरेट के बाद कुछ और चीज जोड़नी पड़ती है, तब वो आभूषण बनता है। इसी तरह से अगर आप कहानी लिखते हैं तो जीवन में जैसा घटा वैसा का वैसा लिख दिया तो वो कहानी नहीं बनेगी, वो दूसरे क्षेत्र का काम होगा। इसको आप अन्यथा न लें, भाई श्री विनायक जी बैठे हैं पत्रकार हैं, अनिल जी पत्रकार हैं और थोड़ा बहुत पत्रकार में भी अपने को मानने की गलतफहमी पालता हूं। तो हम लोग जो पत्रकारिता का काम करते हैं वो अलग तरह का काम है, इसमें कोई काम ऊंचा और नीचा नहीं है, लेकिन दोनों कामों की प्रकृति अलग है। एक पत्रकार बिल्कुल यथातथ्य वर्णन करता है कि ऐसा घटित हुआ और एक कहानीकार उसी ऐसा घटित हुआ को देख कर उसमें थोड़ा बहुत कुछ मिलावट करके एक कहानी बनाता है। तो अगर आपने अपनी कहानियों में बहुत कुछ जोड़ा है तो ये कहानी की जरूरत है। आप कभी जीवन में से जो का क्यों, मैं बहुत बार नए कहानीकारों से मिलता हूँ और मैं उनकी कहानी पढ़ता हूँ और कहता हूँ भाई इसमें कुछ बात बनी नहीं, तो जो नया कहानीकार है वो अक्सर कहता है अरे साहब मैंने ऐसा होता हुआ देखा है। आपने देखा होगा उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसको अगर आपको कहानी बनानी है तो आपको उसमें कुछ कतर गोद करनी पड़ेगी। ये लगभग वैसा ही है कि आप बाजार से बहुत बढ़िया कपड़ा लाते हैं, 2.5 मीटर कपड़ा लाते हैं, टेलर को देते हैं, टेलर उसमें काटता भी है, उसमें कुछ और जोड़ता भी है, लेस भी लगाता है, बटन भी लगाता है, बुकरम भी लगाता है, तब कहीं उससे कमीज बनता है। ऐसा नहीं है कि मैं 2.5 मीटर कपड़ा लपेट लूं और कहूं कि ये कपड़ा बहुत अच्छा है।
तो रचना के लिए बहुत सारे कौशल की जरूरत होती है और वो कौशल हम अपने उस्तादों से सीखते हैं। आप अच्छे रचनाकारों को पढ़ते हैं तो आप सीखते हैं कि देखिए कैसे उसने कहानी को बनाया है, और वो सीख आपके लेखन में कहीं अदृश्य रूप से आपकी मदद करती है। तो एक लेखक के रूप में आप पढ़ना कभी बंद ना करें। ये एक बूढ़ा आदमी होने के नाते हिमाद्री जी मैं आपको सलाह देने की दृष्टता करना चाहूंगा। और ये दोस्तों आपके लिए भी, मैं अभी जब बहुत सारे मित्रों ने, अनिल जी ने कहा, शिव जी ने कहा, और हम सब लोगों की पीड़ा है कि लोग पढ़ते नहीं है। किताब खरीदने की बात कही, मैं तो हर जगह ये कहता हूं कि लोकार्पण में अगर आप आए हैं तो आप किताब खरीदिए भी सही, लेकिन आप कभी अपने दिल पर हाथ रखकर, लेखक मित्रों से भी मैं कहूंगा, आप जरा ये तो याद कीजिए कि आपने आखिरी किताब कब खरीदी थी, आप एक साल में किताब खरीदने पर कितना खर्चा करते हैं, आपके घर में कितनी किताबें हैं। अगर हम लोग बात करें कि आपको सबसे अच्छी कहानी जो आपने पढ़ी हो वो कितना पहले पढ़ी थी आपको याद है, कोई अच्छी कविता आपको याद है, और अगर नहीं याद है तो मुझे लगता है कि आप अपने जीवन को बहुत व्यर्थ कर रहे हैं। तो ये आप कुछ बदलिए अपने आप को, चलिए हम महीने में एक किताब तो खरीद लेंगे, एक किताब तो पढ़ लेंगे। और आज हम लोग जिस सामान्य स्थिति में आ गए हैं, एक किताब खरीदना और एक किताब पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं हम लोग उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग उतना समय नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता में वो नहीं है। तो ये आप जरूर कीजिए। हम हिंदी में अभी जब अनिल जी ये बात कह रहे थे, थोड़ा देर पहले भी बात कर रहे थे हम लोग कि देखिए एक इतनी मेहनत से आप आयोजन करते हैं, बहुत कम लोग आते हैं, निराशा होती है। एक किताब लिखना कितना मुश्किल काम होता है, हिमाद्री जी जानती हैं, जो लोग किताब लिखते हैं वो जानते हैं कि आप कितनी सारी जीवन की सुख सुविधाओं को स्थगित करके एक किताब लिखते हैं, बहुत आसान नहीं होता है। आप कितने घंटे उसके लिए बर्बाद करते हैं, बर्बाद नहीं उसमें निवेश करते हैं, तब आपकी किताब तैयार होती है, उस किताब को आप कितनी मुश्किल से छपवाते हैं और आप पाए कि उस किताब को किसी ने नहीं पढ़ा, तो कितनी निराशा। आप पढ़िए, पढ़कर लेखक को अपनी बात कहिए, उस पर प्रतिक्रिया दीजिए, सोशल मीडिया पर उस पर लिखिए, और मैं ये नहीं कह रहा हूं आप उसका गुणगान करें, आप उसकी अच्छाइयां बताएं, अगर आपको कमी लगी तो कमी भी बताइए, उसमें कोई हर्ज नहीं, कोई लेखक इस बात का बुरा नहीं मानेगा, लेकिन आप उसका नोटिस लीजिए, आप लोगों के ध्यान में लाइए कि ये किताब अच्छी है, इसे आप पढ़ें, तो एक माहौल बनेगा, माहौल हम ही तो बदल सकते हैं ना। तो किताब आप पढ़िए, और जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो भी पढ़ें, जो लिख रहे हैं वो भी पढ़ें, खरीद कर पढ़ें, ये बहुत जरूरी है। तो आज के इस मौके पर मैं हिमाद्री जी को उनकी इन तीन किताबों के लिए, उनके लिए उनकी जारी सृजन यात्रा के लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरी थोड़ी सी बिखरी हुई और अस्त व्यस्त बातों को सुना। हम ये कामना करें कि किताबों का और पढ़ने का माहौल हमारे शहर में और बढ़े, लोग खूब किताबें पढ़ें, लोग खूब किताबें लिखें। देखिए लिखना तब तक सार्थक नहीं है जब तक उसको पढ़ने वाले नहीं होंगे, किताब का होना उस समय तक सार्थक नहीं है जब तक उसको खरीदने वाले नहीं होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग थोड़ा सा मन में इरादा बनाकर जाएंगे कि चलिए महीने में एक ना सही, छह महीने में एक किताब खरीद लेंगे, चलिए कभी तो हम किताब पढ़ लेंगे। बहुत सारे काम करते हैं, हम टीवी देखते हैं, ओटीटी पर बहुत सारा कंटेंट हम लोग देखते हैं, व्हाट्सएप पर हम लोग होते हैं, सोशल मीडिया पर होते हैं, सोशलाइजिंग करते हैं, मिलते जुलते हैं, इन सब के बीच में अगर घंटा आधा घंटा हम कोई किताब भी पढ़ लेंगे और उस लेखक तक अपनी प्रतिक्रिया पहुंचाएंगे तो एक बेहतर माहौल बनेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर ध्यान देंगे। मार्गदर्शन है, और हम सभी बहुत अनुग्रहित हैं
अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आपके सुनहरे शब्दों को सुनकर हम भी बहुत कुछ आपसे सीख पाए हैं, बहुत कुछ आपसे जान पाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सहज सरल ऊर्जावान उमंग और जोश से लबरेज हमारी अगली मेहमान आदरणीय उषा रस्तोगी मैम, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी। अब